हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रस्तावना। आइए चर्चा को चालू करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। किसकी प्रस्तावना? आइए आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। किसके? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में अपन चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए सेशन को चालू करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, आपको याद होना चाहिए। अधिकतर सवाल यहाँ से बनते हैं क्योंकि कंसेप्चुअल ज्यादा है, याद करने का आपको थोड़ा साहस चाहिए इस चीज को। ठीक है, तो आप अच्छी तरह समझाएंगे इससे आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा। तो आइए देखो, प्रस्तावना का मतलब क्या होता है। जैसे अपन किसी भी चीज को स्टार्ट करते हैं, कोई भी बड़ी चीज को, उसको आप है ना छोटे शब्दों में, मतलब कम शब्दों में और उसी बात को आप समझा पाओ ना, उसको क्या बोलते हैं? प्रस्तावना। प्रस्तावना को क्या भी बोल सकते हैं? प्रस्तावना को शीर्षक भी बोल सकते हैं। उसका क्या बोल सकते हैं? किसी चीज का शीर्षक क्या कहलाता है? प्रस्तावना। ठीक है, अब आइए भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ये आज का हमारा टॉपिक था। तो आइए चर्चा को चालू करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जहां तक मेरे को पता है कक्षा 6 से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप कहोगे कैसे, हमने तो नहीं पढ़ी कभी। आपने अपनी एनसीईआरटी का पहला पेज खोला होगा, उसके पहले पेज पे भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना के नाम से एक छपा रहता है, वह आपने कभी पढ़ा नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, वही भारत की क्या है? प्रस्तावना है। चर्चा को चालू करेंगे यहीं से। तो आप चित्र के माध्यम से प्रस्तावना को देख पा रहे होंगे, तो आप इसको आपको पढ़ना है। कभी भी आप क्लास चालू करें, किताबें अपनी पुरानी किताबें उठाएं तो उसको जरूर पढ़ें। आइए देखो, तारीख से चालू करते हैं। 13 नवंबर 1946 दिन था, 13 नवंबर 1946। आइए एरो लगा के लिखिए उद्देश्य संकल्प, बहुत ही इंपॉर्टेंट उद्देश्य संकल्प। देखो, दिन था 13 नवंबर 1946 और उद्देश्य संकल्प को पेश किसने किया था? पेश किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने इसको उद्देश्य संकल्प को प्रस्तुत किया था। तो बहुत बार डायरेक्ट एसएससी सवाल पूछता है उद्देश्य संकल्प को कब पेश किया गया था? 13 नवंबर 1946 को। और कहां पेश किया था? संविधान सभा में पेश किया गया था। जो उद्देश्य संकल्प में जो क्या थे? आदर्श थे। क्या थे? आदर्श थे। उन्हीं आदर्श को बेस बनाकर, आधार बनाकर संविधान की क्या पेश की गई? प्रस्तावना को पेश किया गया। क्या पेश की गई? संविधान की प्रस्तावना को पेश किया गया। और ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना है ना, प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट, यह किस देश के संविधान से लिया गया है? यह यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया है? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आइए तो देखो, अभी तक अपने क्या पढ़ा? दिन था 13 नवंबर 1946 को उद्देश्य संकल्प जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था। ठीक है, उद्देश्य संकल्प पेश। आइए अब अपन लिखेंगे दूसरी तारीख। यहां से आप एरो लगा के लिखना, यहां से नहीं, यहां से आप एरो लगा के लिखना। एरो में आपने क्या देखा? अब दूसरी तारीख कौन सी आएगी? 22 जनवरी 1947 को जो उन्होंने उद्देश्य संकल्प पेश किया था ना, उसको मंजूर कर लिया गया। ठीक है, यहां से आप याद रखेंगे। देखो, 13 नवंबर 1946 को उद्देश्य संकल्प जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा पेश किया गया और 22 जनवरी 1947 को इसको मंजूर कर लिया गया। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। अब यहां तक की बात पूरी क्लियर हो गई? जल्दी बताइए, यह पूरा कॉन्सेप्ट है, यह इसका नींव है, बेस है। अगर आपको यह ट्री समझ में नहीं आया, आप आगे कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। आइए अब चर्चा को आगे चालू करते हैं। देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहां से चालू होती है? पहली लाइन आप कभी पढ़ना, चित्र के माध्यम से देख पा रहे होंगे, पहली लाइन आती है हम भारत के लोग हैं। हम भारत के लोग, यहां से वह स्टार्ट होता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। यहां से स्टार्ट होता है हम भारत के लोग। आइए अब बात करते हैं आगे। देखो, प्रस्तावना की बात हो गई, यहां पे लिखना प्रस्तावना। आप तो अपने कॉपी में नीचे लिखना, मैं लिखता हूं यहां पे प्रस्तावना। प्रस्तावना को क्या क्या कहा जाता है? प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया। संविधान की कुंजी कहा गया, ठीक है, मतलब चाबी कहा गया। संविधान की कुंजी कहा गया किसको? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को। यहां तक की बात क्लियर हो गई? आइए अब इसमें अपन बात करेंगे। देखो, प्रस्तावना स्टार्ट कहां से होती है? हम भारत के लोग हैं। ठीक है, ये तो हो गया इसका पहला पॉइंट। इसके बाद आप लिखेंगे पहला पॉइंट। अब यहां पे लिखेंगे दूसरा पॉइंट है न्यायालय में प्रवर्तित नहीं है। ठीक है, अर्थात क्या है? आप इसको लेके कोर्ट में नहीं जा सकते हैं।
आप इसको लेके कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। आपको आगे भी मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था जिसको आप कोर्ट में लेके नहीं जा सकते हैं, उसका नाम क्या था? उसका नाम था डीपीएसपी। तो डीपीएसपी भी क्या है? आप न्यायालय में प्रवर्तित नहीं है। तो न्यायालय में प्रवर्तित अपने क्या पढ़े थे? अपने पढ़े थे फंडामेंटल राइट न्यायालय में प्रवर्तित है, ठीक है। यहाँ तक अपना ये पुराना था लेकिन आपको याद होने चाहिए। यहाँ तक की बात करें, जल्दी बताइए, न्यायालय में प्रवर्तित नहीं है और हम भारत के लोग हैं, भारत की प्रस्तावना, भारत के संविधान की प्रस्तावना यहाँ से स्टार्ट होती है, तो यह सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे आगे, आगे का कंसेप्ट क्या कहता है, आइए देखो। ये ट्री आपको, ये ट्री सिस्टम आपको पूरा याद रखना है। अब एक अलग ट्री सिस्टम बनाते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। संता 1976 संविधान का 42वां संशोधन, संविधान का 42वां संशोधन। और संविधान के 42वें संशोधन में क्या किया गया? जो प्रस्तावना थी ना, प्रस्तावना में तीन शब्द जोड़े गए। और वह तीन शब्द कौन कौन से हैं? आइए, तीन शब्द को आप ऐसे लिखना। पहला शब्द आता है समाजवादी, दूसरा शब्द आता है पंथनिरपेक्ष, और तीसरा शब्द आता है भारत की एकता और अखंडता। भारत की एकता और अखंडता। संता 1976 का संविधान का 42वां संविधान संशोधन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में तीन शब्द जोड़े गए थे, और तीन शब्द कौन कौन से थे? एक तो था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और भारत की एकता और अखंडता। जिसमें शुरू के दो तो डायरेक्ट आपसे सवाल पूछता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो संविधान का 42वां संविधान संशोधन और संता 1976। तो पूरा ट्री सिस्टम आपको याद होना चाहिए, डायरेक्ट 1976 ऐसे आप ट्री सिस्टम से याद करें। 76 42वां संशोधन, प्रस्तावना, तीन शब्द जोड़े गए, तीन शब्द कौन कौन से थे? आइए आगे बढ़ते हैं। और देखो प्रस्तावना, अब बात करेंगे प्रस्तावना में क्या क्या बताया गया है भारतीय संविधान की। या आपका क्लियर हो गया, ठीक है, बाद में इसका नोट बनाना और लिखना, धीरे धीरे बिल्कुल लिखा करें। आइए, प्रस्तावना, ठीक है, ये लिखा हुआ है प्रस्तावना, इसको आप बनाएंगे बॉक्स में बंद। प्रस्तावना में हमें क्या क्या बताया गया है, ठीक है, देखो लगाना दो एरो। इसमें हमको बताए गए हैं तीन प्रकार के न्याय और दो प्रकार की समानता। तीन प्रकार के तो न्याय बताए गए हैं और दो प्रकार की समानता बताई गई है। और तीन प्रकार के न्याय कौन कौन से हैं उनका भी आप लिखिए फिर। पहला आता है सामाजिक न्याय, दूसरा आता है आर्थिक न्याय, और तीसरा आता है राजनीतिक न्याय। तो डायरेक्ट आपसे सवाल पूछता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन है, तो अपन कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। नाम बताएंगे, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, और कितने प्रकार की समानता है? दो प्रकार की। दो प्रकार की समानता कौन कौन सी है? पहले लिखिए प्रतिष्ठा, और नंबर दो क्या आता है? अवसर की समानता। नंबर दो क्या आता है? अवसर की समानता। तो तीन प्रकार के न्याय, दो प्रकार की समानता। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गए, तीन प्रकार के न्याय, दो प्रकार की समानता। आइए अब आगे लिखते हैं। देखो हमारा देश भारत, इंडिया का संविधान, और भारत का संविधान कैसा है? लिखित संविधान है, ठीक है, लिखित, और लिखित में भी कैसा है? सबसे बड़ा लिखित संविधान, सबसे बड़ा लिखित संविधान। आइए, और आपको एक बार क्या सवाल पूछा गया था? लिखित संविधान की का जो कंसेप्ट है, लिखित संविधान का कंसेप्ट है, जो लिखित संविधान का कंसेप्ट कौन से देश के संविधान से लिया गया है? वह फ्रांस से लिया गया है। कहां से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। और हमारे भारतीय संविधान में भारत के लिए संघीय व्यवस्था का वर्णन कहीं नहीं है। उसमें क्या बोला गया है? भारत को राज्यों का संघ बोला गया है। क्या बोला गया है? इंडिया को, भारत को राज्यों का संघ बोला गया है। तो बहुत बार आपसे डायरेक्ट सवाल पूछता है, भारत है क्या? है राज्यों का संघ है। डायरेक्ट आपसे सवाल पूछता है, भारतीय संविधान में भारत को उल्लेखित किया गया है, आपके डायरेक्ट आपको ऑप्शन दे देगा संघ के रूप में, संघीय व्यवस्था के रूप में, राज्यों का संघ के रूप में, निम्नलिखित में से कोई नहीं, तो आपको वहां क्या करना है? राज्यों के संघ के रूप में उल्लेखित किया
गया है। तो आज का हमारा प्रस्तावना का टॉपिक था, चित्र के माध्यम से आपने प्रस्तावना को भी देखा होगा, इसको आप याद रखें। और संविधान का 42वां संशोधन सन 1976 और 2 तारीख मैंने आपको पहले बताई थी कौन कौन सी, 13 नवंबर 1946 उद्देश्य संकल्प पेश किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। और उसको पारित कब कर लिया गया था, 22 जनवरी 1947 को उसको मंजूर कर लिया गया था। उन्हीं के आदर्शों से क्या बनाई गई, प्रस्तावना बनाई गई। यह था आपका बिल्कुल आज का टॉपिक था, आई होप आपको पसंद आया होगा सेशन, बिल्कुल इंपॉर्टेंट सेशन है, बिल्कुल आपको रटना नहीं है। पैसे चैनल को प्यार देते रहिए, थैंक यू, धन्यवाद।